धार जिले के ढाणी में इस उद्योगपति ने दिखाई अन्य संपन्न लोगों को राह। पहले करते थे राहगीरों की सेवा, अब कोरोना वायरस को लेकर लोगों को कर रहे हैं जागरूक। मालवा मिरर के लिए राजेश जौहरी की खबर। दिल्ली से धार जिले के ढाणी अपनी फैक्ट्री के सिलसिले में आए सुरेश शर्मा जब कुछ दिन पहले वहां रहने आए थे तो उनके अंदर का उद्योगपति कहीं सो गया और जाग गया उनके अंदर का वह इंसान जिसको लोगों का दर्द और परेशानी देखकर स्वयं को दर्द होने लगा। बस फिर क्या था, वे रोज अपनी फैक्ट्री के बाहर या कहीं भी रास्ते पर अपनी कार के बाहर खड़े हो जाते और स्थानीय राहगीरों को रोक रोक कर पहले चाय नाश्ता करवाते और फिर उनसे उनके क्षेत्र की तरक्की नहीं होने के कारण पूछते और उन्हीं लोगों से वे तरीके भी पूछते जिनसे वहां के लोगों की जिंदगी अच्छी हो सकती है। इस सबके बीच अचानक कोरोना का कहर प्रदेश और देश पर टूट पड़ा और इसी कारण से सुरेश जी ने अब लोगों को इस घातक बीमारी के प्रति जागरूक करना शुरू कर दिया है। इस बारे में उन्होंने अपना एक वीडियो मालो मिरर से साझा किया। ये दोस्तों, जैसा कल मैंने आपको बताया था, ठीक वैसे ही हुआ। और आपने कल जो मैंने आपसे बोला था कि अगर ये मल्टीपल थर्ड फेज में अगर अपन जा रहे हैं और इसमें मल्टीपल हुआ तो सारी स्थिति बिगड़ती चली जाएगी। इंदौर में भी कई लोगों की हालतें हो गई है, 20 से 25 केसेस रजिस्टर्ड हुए। अभी ऐसे स्थिति में आपको क्या करना चाहिए, पहले जैसा मैंने आपको बताया कि आप पहली सबसे पहली प्रायोरिटी ये है कि आप घर से बाहर मत निकलें। अगर घर से बाहर निकलते हो और बहुत मैंने ऐसे कर बताया है कि आप किसी आपके चौकीदार या किसी को बोल दो तो आपका काम कर देगा, परंतु उसकी तरफ भी ध्यान रखना पड़ेगा कि वह बराबर अपडेट है कि नहीं, मास्क होना चाहिए, पंजे दस्ताने होना चाहिए उसके पास भी। अब आपसे मेरा पुनः निवेदन है कि आप घर से ना निकलें और आप परिस्थिति को वॉच करते रहें। अगर आप परिस्थिति को वॉच नहीं करेंगे, अपने बच्चों को भी घर से बाहर नहीं निकलने दें। कहने के लिए बहुत सारी बातें आपसे कर दी गई हैं, सारा आपको समझाया गया है और भी तमाम लोग आपको समझा रहे हैं, फिर भी अगर आप नहीं मानते, जैसे आपको मैं आपको कुछ करना नहीं है, आप इटली, फ्रांस और चाइना को फॉलो करो। उनकी स्थिति को आप देखिए, जो पहले हफ्ते में अगर आज कल जो मैंने बात की थी, आज उसका डबल हो गया और इसका डबल अगर कल हो जाएगा तो आप समझ सकते क्या स्थिति बनेगी। इसलिए आपको सबसे इससे बचने के लिए आप ये मत सोचो, वहाँ 3 महीने का कर्फ्यू लगा था चाइना में, 3 महीने तक पूरी कंट्री को उन लोगों ने बंद जैसा कर दिया था। इसलिए अभी हम प्रिलिमिनरी स्टेज पे हैं, हमको ध्यान रखना चाहिए। अगर हम आगे इसमें और करना चाहते हैं और किसी कीमत में अगर अपने सही ढंग से रहना चाहते हैं तो अपन घर से बाहर मत निकलो, इससे बड़ी कोई चीज़ नहीं थी, यही सबसे बड़ी सेफ्टी है। इस पर आप ध्यान रखें और मैंने जैसा आपको कल बताया, अगर आपको जुकाम, खांसी, छींक, बुखार, ब्लड प्रेशर बढ़ता है और तमाम छोटी छोटी संभावनाएँ आप जो समझते हो, जो एंटीवायरस मैंने जो आपको बताया था उसका ध्यान रखें, एस्पिरिन भी घर में रखें। और अगर स्थिति को आपने नहीं ठीक किया, आपको कोई नहीं बचा सकता। इसलिए प्रिय दोस्तों, घर के अंदर अगर आप लॉकअप रहेंगे, आपको मालूम हो अगर आप इटली की पोजीशन देख रहे हैं, एकदम शब्दाग्रह है जैसा इटली बन गया, फ्रांस की भी वही स्थिति है, चाइना थोड़ा सा ओवरा है पर यूएसए में और ज़्यादा तकलीफ होगी। हमारा सब कर्तव्य है कि मैं आपको सब समझाऊँ, आप अंदर रहें, ज़्यादा बाहर मत घूमें, यही सबसे बड़ा उपचार इस कोरोना वायरस का है। और अपने पड़ोसियों को, अपने पड़ोस के बच्चों को, सबको समझाएं कि वो ऐसा ना करें। खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल दबाएं।